Hello everyone, I am Gagan Ladha, director and founder of Ascent Gate Academy, India's pioneer institute for providing e-learning classes for gate mechanical. दोस्तों आज की डेट में जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जो उनकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा है और जो उनको लक्ष्य से सबसे ज़्यादा दूर करता है, डेट इज़ नथिंग बट दिस पर्टिकुलर मोबाइल। आपके हाथ में जो मोबाइल है ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आज की डेट में। आपका मोबाइल आपकी एक ऐसी गर्लफ्रेंड बन के बैठा है जिसको आप टाइम तो बहुत दे रहे हैं, दिन रात आप उसके पीछे आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो गर्लफ्रेंड आपको पीठ पीछे धोखा दे रही है और कंटिन्यूसली आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाते जा रही है। तो समझदारी तो ऑब्वियसली इसी में रहनी चाहिए कि ऐसी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया जाए, आपको इस डिवाइस को छोड़ देना चाहिए, बट आज हमारी मजबूरी ये है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते। हमारी बहुत सी चीज़ें इस पे आज डिपेंडेंट है, हमारी एजुकेशन की भी बहुत सी चीज़ें आज मोबाइल पे ही डिपेंडेंट है, तो कहीं किसी कारण से हम लोग मोबाइल छोड़ नहीं पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम मोबाइल के यूज़ करने पर नहीं है, बट आपको मोबाइल का जुडिशियसली यूज़ करना है। आप आज हो क्या रहा है, हम मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, आज मोबाइल की टेक्नोलॉजी हमको यूज़ कर रही है। आज पूरा जो जितना भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने देख रहे हैं, सब कुछ एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है कि वो आपको कितना ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं। बहुत सारी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ आपको इसमें नहीं, आप कई बार महसूस किए होंगे, आप फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आप स्क्रॉल करते 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 आपका हो सकता है आधा घंटा एक घंटा वहाँ पास हो जाए। टिकटॉक, आपके पहले टिकटॉक था, आज की डेट में इंस्टाग्राम के रील्स आ गए हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स आ गए हैं, बहुत सी इस तरह की चीज़ें आ गई है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एंगेज करके रख रही है। और हुआ ये है कि आपको अब मोबाइल से एडिक्शन हो गया। आप कुछ भी होता है आप सीधा मोबाइल ओपन कर लेते हैं, आप पढ़ने बैठे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तुरंत आपने सोचा कि मोबाइल ओपन कर लूँ, तो धीरे धीरे ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से एडिक्शन हो गया है कि आप कई बार आपको ध्यान भी नहीं रहता है कि आपने अपना मोबाइल उठाया और कुछ नहीं करते हुए आपने अपना मोबाइल उठाया और उसका अनलॉक कर दिया और आप व्हाट्सएप देखने लग गए, इंस्टा देखने लग गए, फेसबुक देखने लग गए, यूट्यूब में वीडियोज़ देखने लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली अब आपके सबकॉन्शियस में बहुत डीप एक तरह से संस्कार बना के बैठ गई है। तो अब उसका जो डी एडिक्शन है ये अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हम सोचते भी, हमको पता भी है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टाइम हम इसमें अपना स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं इनफैक्ट, बट स्टिल हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या हम कर सकते हैं, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि जुडिशियसली आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। और ये सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि जुडिशियसली अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है वो आपको यूज़ करने लगेगी, और आज यही हो रहा है मोबाइल के साथ। तो करना क्या है, तो कुछ एक नियम आप अपने लिए बना लीजिए। सबसे पहला तो ये कि जब भी आप पढ़ने बैठें, अगर आपने सब वो वीडियो लेक्चर सीरीज़ अगर आपने कोई ज्वाइन करके रखी या कुछ जो भी, अगर आपका मोबाइल का जितना काम है वो अगर कंप्लीट हो गया है तो आप मोबाइल को एक सेपरेट रूम में फिर आप पढ़ने बैठे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं डी एडिक्शन की बात कर रहा था वो अब करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज सबकॉन्शियस में बैठ जाती है उसके डी एडिक्शन के लिए आपको कॉन्शियसली कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक आपको एक क्लिक होते रहना चाहिए। तब कहीं जाके वो आपका जो संस्कार है, जो संस्कार आपका बना हुआ है, वो संस्कार तभी आपका जाके छूटता है। तो इसके लिए कुछ एक टूल्स आते हैं, आप अगर चाहे तो मोबाइल के प्ले स्टोर में कुछ एक टूल्स देख सकते हैं। एक टूल मैं आपको बता देता हूं जो पर्सनली मैं यूज करता हूं, और मैं बता दूं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मुझे जो टूल अच्छा लगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आप बहुत टूल्स देख सकते हैं और उस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। ओके, तो आप मोबाइल डी एडिक्शन जैसे ही आप इसमें डालते हैं, इसमें कई सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं। जो ऐप मैं यूज़ करता हूँ डेट इज़ योर अवर, मैंने बाकी देखा नहीं है, मैं बाकी में कमेंट नहीं कर सकता, आप चाहे तो बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक योर अवर के नाम से जो एप्लीकेशन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली करता क्या, आप इसमें देखेंगे तो आपकी पूरी दिन भर की एक्टिविटीज़ जो है वो इसमें रिकॉर्ड होती रहती है। आप कौन से एप्लीकेशन में आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी इसमें होती है, कौन से एप्लीकेशंस आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कितने बार आपने दिन भर में अनलॉक किया है। हमको पता नहीं रहता है, जैसे आप ये देख रहे हैं 32 आउट ऑफ 50 की एक लिमिट है, हमने अगर लिमिट सेट करके रखी है तो इतने बार उसमें अनलॉक हो गया, 50 के ऊपर होगा तो वो कंटिन्यूसली आपको हर बार वार्निंग देगा उस चीज़ का। तो ये मैं जैसे बताया कि डी एडिक्शन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि कोई भी एक एक्सटर्नल टूल के थ्रू ही वो चीज़ हो सकती है, एक ऐसा टूल जो कंटिन्यूसली आपको पिंच करते रहे। अब इसमें जैसे खास बात ये है कि मैं किसी भी एप्लीकेशन में अगर जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को उस एप्लीकेशन में मैंने कितना टाइम सुबह से स्पेंड किया है वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर
कंटिन्यूअसली दिखती रहेगी। आप अगर वीडियो भी देख रहे हैं यूट्यूब में, आपको कंटिन्यूअसली पता रहेगा कि ये वीडियो जो है वो इतने टाइम ये पर्टिकुलर चैनल आपने इतनी देर तक यूज़ किया है। व्हाट्सएप अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो व्हाट्सएप में आपको देख पा रहा है कि इतना टाइम आपने व्हाट्सएप में स्पेंड किया है। तो कोई भी एप्लीकेशन आप देखेंगे तो सब में आपको वो चीज़ दिख जाएगी कि आपने कितना कितना टाइम उसमें स्पेंड किया है। ओके, तो इसलिए एक जहाँ आपको कंटिन्यूअसली पिंच मिलता है, जितने भी बार आपने ओपन किया आपको पता चल गया कि आप ओपन कर रहे हैं, आपको तुरंत वो चीज़ पिंच कर देगी कि क्या अभी मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत थी, क्या मोबाइल की मुझे ज़रूरत थी, या मैंने ऐसे ही ओपन किया, या आउट ऑफ अनकॉन्शियसली मैंने उस चीज़ को ओपन किया। तो जहाँ वो चीज़ समझ में आई, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को ना करें। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आपने उसकी टाइम लिमिट सेट करके रखी है कि एक दिन में व्हाट्सएप का 30 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30 मिनट के बाद वो आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ की वार्निंग देगा कि आपका 30 मिनट्स हो गया है, अब आपको इसको यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। तो जहाँ वो चीज़ कंटिन्यूसली आपके माइंड में जाएगी धीरे 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 करके, वो चीज़ आपके जो हैबिट्स है, हैबिट से वो चीज़ वहाँ से हटने लगेगी। तो ये एक अच्छा टूल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। बट अल्टीमेटली कोई ना कोई अगर आपको लग रहा है कि यू आर एडिक्टेड टू मोबाइल एंड यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की होती है वो यही होती है कि आपको अपने आप से सच बोलना है। अगर आपको लग रहा है कि सही में आपको एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, ये कैसे समझ में आएगा? अगर आप कंटिन्यूसली बिना किसी काम के अगर मोबाइल ओपन कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बिना किसी काम के स्क्रॉल कर रहे हैं, तो दैट मींस यू आर एडिक्टेड टू मोबाइल। तो एडिक्शन को दूर करने के लिए कोई भी आप एक एक्सटर्नल टूल को यूज कर सकते हैं। सो आई होप दिस विल हेल्प यू इन डी एडिक्टिंग। और जहां आपका मोबाइल डी एडिक्शन हो गया, फिर आपकी बहुत सारी चीजें आप खुद ब खुद देखेंगे कि बहुत सी चीजें आपकी आसान हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ कही थी, आपको बताई थी, आपने अगर देखा होगा, तो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, ये पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसे मैंने एक जगह ये चीज़ भी कही थी कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, हो सकता है कुछ डिफिकल्टी आए, तो हमको क्या होता है, बेसिकली मैं माइंड के अंदर की चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेन महसूस होने लगता है। तो जहाँ हमारा पेन होता है, हमारा माइंड की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो चाहता है प्लेजर की तरफ जाना। तो हम क्या करते हैं, उस पेन को अवॉइड करते हैं और चले जाते हैं प्लेजर की तरफ, हम दूसरी तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, हम चले जाते हैं मोबाइल की तरफ, तो वहाँ हमको माइंड को अच्छा लगने लग जाता है, हमको थोड़ी सी प्लेजर की फीलिंग आती है। तो एक नेचुरल टेंडेंसी जो माइंड की रहती है वो यही रहती है, वो पेन नहीं चाहता है, वो प्लेजर चाहता है। बट अल्टीमेटली अगर आप उस प्रॉब्लम से जूझेंगे नहीं तो आप फिर वहीं की वहीं रह जाएंगे, आप उस चीज़ से फिर निकल नहीं सकते। हम कर क्या रहे हैं, हमारे सिस्टम में जब वायरस आता है तो हमको बेसिकली वायरस का एंटीवायरस डाल के उसको क्लीन करना है। हम क्या करते हैं, जब सिस्टम में वायरस आता है तो उसको शट डाउन कर देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस ओपन करेंगे तो अल्टीमेटली वायरस तो वहीं पर है। तो आप वायरस को अवॉइड करना है तो आपको एक बार उससे भिड़ना पड़ेगा, एक बार एंटीवायरस चलाना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम से मत भागिए, आप प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए। सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, फिर से मैं कहूँगा आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, हमको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, देन ओनली वी कैन कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर सीरीज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।